गाड़ी में ऐसा नहीं कि आप प्रीमियम सेगमेंट ले रहे हो तो उसमें ये चीज आएगी, हर एक गाड़ी अगर आप हमने अपने पूरा रिपोर्ट दे दिया, आप अपने हिसाब से बोल दो कि भाई हमको इतने में चलती है, सही गलत ऑफर मत करना। 5,000 का डिस्काउंट कर दिया, 45 था लास्ट वीडियो में, 5,000 डिस्काउंट हो गया। तो भाई ये है जीपीएस का डिवाइस, ठीक है। Hey guys, welcome back to a new video. My name is Shubham और आज हम लोग आ गए हैं पंचाल काज पे एंड आज है दशहरा का पावन अवसर और यहाँ पर गाड़ियाँ जो है वो भी आपको मिल जाएंगी नई नई, प्लस कुछ खास ऑफर लेके आए आपके लिए, प्लस बहुत ही काम की चीज़ है जो कि सिर्फ आपको यहाँ पर मिलेगी। यहाँ से गाड़ी खरीदोगे तो वही मिलेगी, कहीं और ये अभी कोई नहीं दे रहा है। होपफुली क्या पता अपना देखने के बाद शायद दोबारा कोई और देने लगे, बट हाँ यहाँ पर आपको एक बढ़िया चीज़ मिल जाएगी गाड़ी खरीदने के साथ साथ, प्लस गाड़ियों का जो प्राइस है वो भी आपको अच्छा जेन्युइन मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो गाइस सबसे पहले हम लोग गाड़ी के बारे में तो बात करेंगे बाद में, लेकिन पहली बात जो हम लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं गौतम भाई वो है GPS, जो कि हर गाड़ी में होना ज़रूरी है। और बहुत लोग है ना ये चीज़ निग्लेक्ट कर देते हैं कि यार गाड़ी की सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब गाड़ी लेने जाएंगे उनको पता नहीं होता है GPS कितने का पड़ता है, क्या पड़ता है और कैसे यूज़ होता है, सब के बारे में जानकारी नहीं होती है। रेडी टू इंस्टॉल ही करके देंगे, रेडी टू इंस्टॉल सीधा आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है आप एक्सेस कर सकते हो, प्लस एक साल का सब्सक्रिप्शन डाल के देंगे आपको, एक साल तक वो है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एप्लीकेशन के थ्रू आप देख सकते हो। और यहाँ साइड में आपको दिख भी रहा होगा, इसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कौन गाड़ी कब चालू कर रहा है, किसी को दे रहे हो तो कितनी स्पीड पे चला रहा है, कितने किलोमीटर लेके गया, कौन सा रूट कवर किया पूरे मैप में, वो सब चीजें देखने के लिए मिल जाती है। हर चीज एग्जैक्ट करेक्ट लोकेशन, लाइव लोकेशन मिलेगा, लाइव लोकेशन ही मिल जाएगा। जैसे ही आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी तुरंत आपको मोबाइल पे नोटिफिकेशन आएगा कि आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, ये आपके लिए बहुत सेफ्टी के लिए बहुत ही काम की है, बहुत ही काम की चीज है, प्लस हर किसी गाड़ी में होना जरूरी है। और कहाँ इसका प्लेसमेंट होगा ये तो नहीं बताएंगे, क्योंकि आपके लिए भी बढ़िया है और सबके लिए बढ़िया है, सबके लिए बढ़िया है वो, ठीक है। तो ये सारी जितनी भी हर एक गाड़ी में देंगे, हर एक गाड़ी में, ऐसा नहीं कि आप प्रीमियम सेगमेंट ले रहे हो तो उसमें ये चीज आएगी, हर एक गाड़ी अगर आप छोटी इवन भी ले रहे हो तो उसमें भी ये फीचर्स आपको मिल जाएगा। GPS एक बार दिखा देना कहाँ है, GPS तो हमने दिखा देते हैं, अभी हमारी खुद गाड़ी, एक गाड़ी में हमने इंस्टॉल कर दिया है हमारी खुद की, बाकी सारी गाड़ी में इंस्टॉल करके हम लोग देंगे। तो जो आपने वीडियो दिखा है ना यहाँ पर जो चल रहा है, तो वो डस्टर में लगा हुआ है GPS, ठीक है, उसके अंदर सिम पड़ती है और पूरा एक छोटा सा अडप्टर होता है वो लगता है एंड पूरा कनेक्शन होता है, वो मोबाइल एप्लीकेशन आता है उसका एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करा देंगे एंड उस एप्लीकेशन में आप सारी डिटेल आपकी कार की देख सकते हो, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, हर चीज कोई भी लिखे जा रही है, आपको भी डेटा रहेगा कि आपकी गाड़ी कितनी चली है, एक महीने तक का पूरा डेटा आपके पास मोबाइल में रहेगा। क्या आप अगर आप समझ लो कि एक हफ्ते पहले मेरी गाड़ी कौन से रूट पे गई थी, तो सारा आपको उसमें एनी टाइम देख सकते हो उसमें कि भाई चलो यहाँ से एक हफ्ते पहले हम लोग गए थे कहाँ, तो कौन सा रूट लिया था हमने, अदरवाइज हम खुद नहीं गए किसी फ्रेंड को दिया था गाड़ी तो वो कहाँ कहाँ घुमा था, ऐसा नहीं कि आपको लाइव दिखना है, एक हफ्ते पहले भी देख सकते हो, एक हफ्ते पहले ये गाड़ी कितनी घूमी थी, कहाँ कितनी स्पीड में चलाई थी, वो सब आपको दिखेगा, क्योंकि कभी कभी होता है वगैरह को देने वाला आपका काम रहता है, तो कभी होता है कि आप गाड़ी किसी फ्रेंड को दिए आपके पास आ गए, ओवर स्पीड का मेमो आ गया, RTO का चलान आ गया, आपके पास प्रूफ रहेगा कि हाँ भाई ये तारीख को मैंने ये फ्रेंड को दी थी, तो ये तारीख को कौन गाड़ी चला रहा था और कहाँ गई थी, तो आपके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसके अंदर। ये काफी स्पेशल चीज है, देखो हर कोई पेट्रोल देता है, चीजें देता है, थोड़ा बहुत पैसा कम कर देता है, लेकिन ये बहुत ही काम की चीज है जो कि आपको यहाँ पर गाड़ी के अंदर इंस्टॉल मिलेगी। ये तो मेन जो नई गाड़ियां होती है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगी, जैसे आपने देते हैं RC ट्रांसफर वगैरह देते हैं, ये एडिशनल कर दिया हम लोगों ने कि ये भी फ्री रहेगा उसके अंदर, ठीक है। तो उनका जो प्रॉफिट होता है उसी के अंदर ये अपना खर्चा करे कर रहे हैं, इसका कोई अलग से कॉस्ट नहीं लेंगे। तो पहली गाड़ी से स्टार्ट करते हैं, वो है अमेज, होंडा अमेज, हाँ 2019 का मॉडल है, पेट्रोल प्लस CNG विद RTO अप्रूवल रहेगी, CNG के साथ, अगर वर्दी वगैरह में चलाने के लिए चाहिए तो आपको ये काम आ सकती है, काफ़ी ज़्यादा चलती है एंड काफ़ी बढ़िया भी गाड़ी है, रिलायबल है, प्लस CNG है तो माइलेज भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, कंडीशन तो आपको देख ही सकते हो भाई, ऑलमोस्ट न्यू कंडीशन में जो है गाड़ी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और प्लस इसके अंदर आपको GPS इंस्टॉल वगैरह सब मिल भी जाएगा, तो अगर आप वर्दी में भी चलाते हो तो बहुत ही सही चीज़ है कि आप अगर खुद नहीं चलाते ड्राइवर को देते हो तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कितनी स्पीड में कहाँ कहाँ लेके गए हैं, ठीक है, क्योंकि पैसेंजर की जिम्मेदारी भी फिर आपके ऊपर ही आ जाती है ना। और इसकी प्राइस 6,25,000 है, जो कि थोड़ा सा नेगोशिएशन हो सकता है इसमें, बाकी जो RC इंश्योरेंस वगैरह अपने करके ही देंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी अपनी डस्टर लेनी है,
नहीं डस्टर तो लेनी नहीं है, अपनी खुद की गाड़ी है, डायरेक्ट हम लोग जंप करेंगे सीधा टीवी पे। ये भी T8 है और कलर भी काफी अच्छा है गाड़ी का। कौन सा मॉडल है, क्या डिटेल है? ये 2016 का मॉडल है। हाँ। और T8 वेरिएंट है जिसमें अलॉय व्हील्स, एयरबैग सब कुछ आ गया। हाँ। और टायर ऑलमोस्ट नए हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू नहीं बोल सकते लेकिन 90% है समझो। 90% जो है टायर मिल जाते हैं, प्लस इसके अंदर आपको सब बढ़िया मिल जाते हैं। ये पर्दे भी मिल जाते हैं लगे हुए ऑलरेडी इंस्टॉल, ताकि आपको धूप वगैरह से बचा सके। और ये ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे, सारी जगह मिल जाएंगे। प्लस सबसे ज्यादा मेन चीज रहती है ये हैंडरेस्ट, क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है भाई गाड़ी के अंदर, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप लॉन्ग ड्राइव करते हैं ना तो ये शोल्डर में पेन होने लगता है। और जो चलाते हैं भाई गाड़ी उनको पता ही होगा, जो लोग फर्स्ट टाइम लेने वाले थे उनको बता दूँ, तो ये शोल्डर में पेन होने लगता है, उसके लिए ये हैंडरेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। छोटी चीज है लेकिन बहुत काम की चीज है, तो ये सारी चीजें मिल जाती है। भाई प्राइस कितना रहेगा गौतम भाई इसका? ये फर्स्ट ओनर फुल इंश्योरेंस है गाड़ी। हाँ। और प्राइस सेम उसके जैसा 625। 625 इसका ही प्राइस रहेगा। बढ़िया सेवन सीटर गाड़ी मिल जाती है आपको 625 में, और पावरफुल महिंद्रा। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी है अपने पास? दूसरी गाड़ी अपने फोर्ड एस्पायर, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बताई थी, वो आज उसकी डिलीवरी है। हाँ। बिक गई है गाड़ी। ठीक है, ये तो सेल हो गई है। इधर है अपने पास ईऑन, एक ईऑन जो कि आपके वीडियो से आया था, वो फोर्ड एस्पायर का कस्टमर दाहोद से आया था, ले ली उन्होंने, लोन का प्रोसेस किया है। हाँ। तो आज आने वाले हैं, शाम तक वो डिलीवरी हो जाएगी गाड़ी की। राइट, तो ये है अपने पास एरा प्लस है ना? ये एरा प्लस है। हाँ, तो ये ईऑन है, इससे पहले भी एक ईऑन थी लेकिन ये दूसरी वाली है, सेम 2018 की थी। हाँ। वो सेल आउट हो चुकी है। और ये एक और फर्स्ट ओनर और प्योर पेट्रोल, फर्स्ट ओनर है, प्योर पेट्रोल है। हाँ। ठीक है, और ये देखो अभी एक इको आई है, ये इको आने वाली है जो नेक्स्ट वीडियो में आएगी। नेक्स्ट वीडियो में आएगी भाई, इको वाले कस्टमर खुश हो जाए, इको आ गई एक, रेडी होके आ जाएगी। 2018 की CNG कंपनी CNG नहीं, आफ्टर मार्केट बट RTO एंट्री के साथ में, RTO एंट्री के साथ में है भाई, बढ़िया है। इको चला सकता है, वो सब कुछ चला सकता है, सही है। ठीक है, इसका प्राइस कितना है? इसका प्राइस है 285, 285,000। हाँ। नेक्स्ट है सेंट्रो, ये आपकी गाड़ी चला के आए थे इसको। भाई ये अभी तक गई नहीं है, लेकिन भाई इसकी कीमत लोग जान नहीं रहे, बढ़िया बहुत जबरदस्त है गाड़ी। मेरे को अगर मेरे पास होते पैसे, लोन करवा के मैं ले लेता इसको, बहुत ही जबरदस्त है भाई। इलेक्ट्रिक स्टेयरिंग आता है इसके अंदर, बहुत ही सॉफ्ट आता है, अभी अगर चालू करेंगे तो बहुत सॉफ्ट चलता है। एक उंगली से आप खड़ी खड़ी गाड़ी, एक उंगली से। इसमें भी एक एक्स्ट्रा फीचर हमने ऐड कर दिया है। हाँ। डैश कैम, डैश कैम भी ऐड कर दिया है, तो देखो भाई डैश कैम भी है यहाँ पे, डैश कैम भी लग गया। अब जैसे गाड़ी स्टार्ट करोगे पूरा फ्रंट का वीडियो रिकॉर्डिंग चालू रह जाएगा, रिकॉर्डिंग चालू रहेगा। प्लस वो भी एक सेफ्टी के लिए बहुत अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, कौन आगे ठोक दे, आगे सामने से पता नहीं चलता। ठीक है, प्राइस कितना है उसका सेंट्रो का? सेंट्रो का 411,000। 411,000, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास बलेनो, क्या डिटेल है इसकी? 2017 की जेटा मॉडल है, इसमें अलॉय व्हील्स, प्री स्टार्ट बटन और डीजल वेरिएंट में है। डीजल वेरिएंट है ये, और डीजल खैर मारुति की बलेनो मिलना थोड़ा मुश्किल है। सबसे बेस्ट माइलेज भी सबसे बेस्ट मिलेगी इसमें आपको। हाँ, माइलेज भी बेस्ट 20 प्लस है। प्लस पावरफुल गाड़ी है, डीजल है, और टॉप मॉडल मिल जाता है, पोस्ट कार्ड बटन मिल जाती है, अलॉय व्हील्स मिल जाता है इसके अंदर कंप्लीट। प्राइस कितना है? 5,40,000। 5,40,000 इसका, 5,000 का डिस्काउंट कर दिया, 45 था लास्ट वीडियो में, 5,000 डिस्काउंट हो गया इसका। ओके, नेक्स्ट है ये, वरना ये हम लोगों ने नहीं ली थी, ये नई ली थी, अभी भी ले रहे, लेकिन गाड़ी सोल्ड आउट हो चुकी है। सोल्ड आउट हो गई है? हाँ, ये बिक गई है गाड़ी। हाँ। लेकिन इसकी ये जो 2016 का मॉडल था। हाँ। और 6,25,000 प्राइस हम लोगों ने रखी थी यहाँ पे। हाँ। और 5,90,000 में गाड़ी फाइनल हो चुकी है। चलो भाई कंप्लीट। और दूसरी ये अपनी कितने में फाइनल, कितना रखा था प्राइस? 6,25,000 रखा था हम लोगों ने। हाँ। 5,90,000 में फाइनल हो चुकी है। तो आप ये देख सकते हो कि मतलब नेगोशिएबल है, तो एक डिफरेंस दे सकते हो, नेगोशिएबल इतना ही डिफरेंस होता है। इतना मतलब ये 6,00,000 के रेशियो में गिनो आप। हाँ। कि भाई ऐसा नहीं भी 2,00,000 की अल्टो लेने आएगा, वो भी इतना गैप 20-30,000 रुपए का जो डिफरेंस रहता है ना, इसका नेगोशिएबल हो सकता है, लेकिन अगर कोई कस्टमर 5,00,000 प्लस की जो प्राइस रहेगी उसमें। हाँ। क्योंकि 2,00,000 की गाड़ी में अगर 30-35 का डिफरेंस नहीं हो सकता, तो ये उस प्राइस में है। तो अगर आप सोचो कि भाई सीधा 1,00,000 का कम कर दें या फिर 2,00,000-1,50,000 कम कर दें, तो ऐसा नहीं होता है, इतना नहीं होता है उसमें, ये लोग नहीं रखते इतना। क्योंकि अगर
इतना बड़ा चलाके बोलना ही अभी नहीं है आप गाड़ी भाव। देख सकते हो, अभी ये गाड़ी आई है उसमें थोड़ी बहुत कमियां तो रहती हैं, वो ठीक कराने में पैसा लगता है, मैकेनिकल वर्क का कुछ निकल गया कस्टमर गलती को से। कुछ भी नहीं करना है, कस्टमर को कुछ नहीं करना है भाई, आपको गाड़ी लेनी है और लेके चले जानी है, ठीक है। अब कस्टमर से इन्होंने गाड़ी बाय करी, गाड़ी ली इन्होंने, अब उसमें कस्टमर से लेते टाइम तो कुछ नहीं दिखा कि हाँ भाई चलो ठीक है, लेकिन जब लेके आए और टचिंग के लिए रखी तो उसका एसी खराब हो गया या फिर कुछ दिक्कत हो कुछ गई, भी करना पड़ता तो वो सब ठीक करना पड़ता भाई, वो खर्चा आता है, तो वो चीज मिलाने के बाद फिर प्रॉफिट थोड़ा बचता है, फिर सब यहाँ सबका है। हाँ, रेंट ये है, गाड़ी भी, ये गाड़ी घर में अपने खाना जो पीना बच्चे पालना बहुत मुश्किल चीज है, लास्ट करना ये जो होता हमने लास्ट वीडियो में ली थी ये पेट्रोल थी, अभी ये सीएनजी हो चुकी है, सीएनजी करवा दी इसमें। हाँ और सब पूरा समझो स्क्रैच स्क्रैच दिखे थे पहले अपने वीडियो में, हाँ हाँ स्क्रैचेस हाँ थे वो भी रिमूव कर दिए, कुछ नहीं अभी, नेट एंड क्लीन गाड़ी अभी। फर्स्ट ओनर है ना ये? हाँ फर्स्ट ओनर ही है, और अभी ऑटोमेटिक पेट्रोल प्लस होगी, सीएनजी, और 2020 का मॉडल है, 2020 मॉडल है, और काफी बढ़िया गाड़ी है भाई, इसकी काफी इंक्वायरीज भी है, लेकिन डज का कस्टमर कोई बैठ नहीं रहा, बहुत कम कर रहे थे लोग इसकी वजह से। हाँ इसकी प्राइस 5,25,000 फर्स्ट हाँ ओनर फुल इंश्योरेंस, और 80,000 चली हुई है, 80,000 किलोमीटर चली हुई है गाड़ी, और लास्ट गाड़ी अपने पास ये रही सेलेरियो, सेलेरियो जो भी काफी ऑटोमेटिक, तीन चार वीडियो में आ चुकी है। हाँ ले जाओ भाई इसको अब तो हाँ जीपीएस भी डाल के दे देंगे इसको हाँ कंपास भी देनी है क्या? हाँ ये भाई है, इसकी सेलेरियो डिटेल है, बता देते हैं, 2018 मॉडल है, फर्स्ट ओनर फुल इंश्योरेंस, और 57,000 चली हुई है, हाँ। और पेट्रोल ZXI वेरिएंट सबसे टॉप वेरिएंट है, और ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक गियर मिल जाएंगे, लेडीज वगैरह के लिए भी चाहिए तो और आप ये ले सकते प्योर पेट्रोल है, प्योर पेट्रोल गाड़ी है। हाँ प्राइस, प्राइस इसकी 4,40,000, 4,40 प्राइस रही। हाँ ठीक है, अभी है, और ये अपनी लास्ट में कार में ये ले लेते हैं, फिर अपने पास एक थंडरबर्ड भी है भाई, बाइकें भी आ रही है तो काम बढ़ाना पड़ेगा, ये लॉक है। हाँ ये 2017 मॉडल है, डीजल में है, और इसकी इसकी प्राइस जो है ना प्राइस कम है, रीजन भी बता देते हम। हाँ भाई ये गाड़ी बहुत ही सही है, 90,000 चली हुई जेन्यून है। हाँ थर्ड ओनर है, जिसको ओनर से कुछ लेना देना नहीं है, गाड़ी प्रीमियम घुमानी है उसके लिए सिर्फ 7,25,000, 7,25,000 जीप, 7,25,000 जीप कंपास मिल रही है आपको, डीजल पावरफुल गाड़ी है प्लस भाई इससे सस्ते, मतलब आप जीप तो समझ सकते हो, बाहरी हाँ, कंपनी ये है, और एक्सयूवी से कंपेयर नहीं कर सकते इसको। हाँ ये बहुत ही अच्छी प्रीमियम, कंफर्ट लेवल बहुत बढ़िया है भाई गाड़ी का, और माइलेज भी सबसे माइलेज बेस्ट, माइलेज कितना दे रही है? 18 से 20 का माइलेज है, 18 से 20 का माइलेज भी मिल जाएगा जीप कंपास, ब्लैक कलर में है फुल। हाँ, अगर किसी को गाड़ी घुमानी है, ओनर से कोई लेना नहीं है उसको, तो ये गाड़ी उसके लिए है भाई, कोई आके बोले हाँ ये तो थर्ड ओनर है, थर्ड ओनर ऐसा नहीं है, गाड़ी हमने बोल दिया गाड़ी थर्ड ओनर है, लेकिन गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, एक नंबर है भाई गाड़ी। हाँ ठीक है, नेक्स्ट थंडरबर्ड है भाई, बाइक भी चाहिए हो किसी को तो ले जाना, एक ही है सर जी अपने पास धीरे धीरे बढ़ा लेंगे, 10,000 चली हुई है सर, 2016 मॉडल, सिर्फ 10,000 चली हुई है, सिर्फ 10,000 चली हुई है, तो मतलब रखी रहती थी ये है। हाँ 2016 मॉडल है, 10,000 किलोमीटर चली हुई है थंडरबर्ड। हाँ। और इसकी प्राइस हम लोग नहीं बताएंगे, वो कमेंट करेंगे कस्टमर की, हमको इतने में चाहिए उतने में दे दो, कस्टमर बोलेगा कि हाँ इतने हमारे चाहिए, अगर सही ऑफर होगी ना तो सही में दे देंगे, वरना बोल दे भाई मैं तो 10 रुपए में लूंगा। हाँ तो आप कमेंट आएंगे, 2016 की हमने पूरा रिपोर्ट दे दिया, आप अपने हिसाब से बोल दो कि भाई हमको इतने में चलती है, सही गलत ऑफर मत करना, सही ऑफर करना कि भाई हाँ इतने में, अगर सही लगी तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, चलो कोई बात नहीं ले जाओ, फर्स्ट ऑनर है ना ये, फर्स्ट ऑनर है, बढ़िया है भाई। तो गाइस ये था वीडियो, होपफुली आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, और फिर सब बहुत सारी चीज इसमें अच्छी अच्छी अभी से आपके वीडियो से स्टार्ट किया ना जीपीएस से, हाँ जीपीएस, अभी ये वीडियो देख के आएंगे पहली गाड़ी से स्टार्ट करेंगे कि सब भाई जीपीएस से ये गाड़ी गई, पहली गाड़ी जीपीएस लेके जाओ, जीपीएस वगैरह इसमें लगा के देंगे गाड़ी के अंदर, तो सेफ्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी गाड़ी की, जब तक गाड़ी रखोगे 1 साल का सब्सक्रिप्शन ही मिल जाएगा, एक बार वो जीपीएस दिखा दो। हाँ डिवाइस दिखा देते हैं, तो भाई ये है जीपीएस का डिवाइस, ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर नेटवर्क है कॉल, ये और ये जीपीएस का साइन है, ठीक है, और इसको ओपन करते हैं, सिम कार्ड भी लगती है इसमें, सिम कार्ड पड़ता है, और कुछ बैटरी वगैरह पड़ती है क्या? नहीं बैटरी नहीं होती इसका, गाड़ी में से ही पावर, गाड़ी में ही पावर कनेक्ट करता है ये, ठीक है, ये सिम कार्ड पड़ता है, इसके अंदर सिम भी हम लोग देंगे, ठीक है, सिम प्लस 1 साल का सब्सक्रिप्शन भी दे देंगे, 1 साल का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा आपको। नहीं तो कस्टमर को ऐसा नहीं कि हमने आपको जीपीएस दे दिया अभी आप उसमें जाके सब्सक्रिप्शन करो, अपने कस्टमर ले जाके उसको यार इसमें खर्चा करना है, हाँ। हम रेडी करेंगे 1 साल के बाद, तो कोई भी कस्टमर इतना तो खर्चा करेगा कि भाई हाँ चलो इसको सब्सक्राइब
एक साल का और ले ले, जब तक रखना है वो कर सकता है। तो ये चीज भाई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपको इसके अंदर मिल जाएगी।